हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डोमनर मिलर सिंथेसिस। ये सिंथेसिस बीएससी फाइनल ईयर जो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें से क्विनोलिन है उसका हम संश्लेषण कर रहे हैं। हमने दो सिंथेसिस पढ़ लिए हैं, तीसरा है हमारा डोमनर मिलर सिंथेसिस। अब इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो ये जो संश्लेषण है वो स्कोप संश्लेषण से मिलता जुलता है। अंतर यह है कि स्कोप संश्लेषण की भांति ग्लिसरॉल का अभिक्रिया मिश्रण में एक्रोलिन में परिवर्तन नहीं करते, यहाँ हम एल्डिहाइड या कीटोन का उपयोग करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन संघनित होकर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। यदि हम कोई एग्जांपल लें, एनिलीन को किसी अम्ल की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल के साथ यदि हम संघनित करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है 2-मेथिल क्विनोलिन। इसकी यदि हम सामान्य रिएक्शन देखें तो वो इस प्रकार से है। यदि हम सामान्य अभिक्रिया को देखें तो हम कह सकते हैं कि एनिलीन को किसी अम्ल की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल के साथ संघनित करके उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है 2-मेथिल क्विनोलिन। इसकी सामान्य रिएक्शन इस प्रकार से है, NH2 एनिलीन 2 मोल हैं एसिटाल्डिहाइड के, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में एक जलकाणु बाहर निकलता है, क्विनोलिन 2-मेथिल क्विनोलिन। यानी हम कह सकते हैं एनिलीन को किसी अम्ल की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल के साथ संघनित करते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है 2-मेथिल क्विनोलिन। डोबनर मिलर संश्लेषण है। यदि इसके मैकेनिज्म देखें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, डोबनर मिलर संश्लेषण सिंथेसिस को समझाइए, तो आपको वहाँ पूरा मैकेनिज्म लिखना होगा। अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है वो देखते हैं हम। CH3 CHO H2 CH C डबल बॉन्ड OH, दोनों सेम कंपाउंड हैं, ये भी एसिटाल्डिहाइड और ये एसिटाल्डिहाइड वन कंपाउंड है। एसिटाल्डिहाइड जल का एक अणु बाहर निकला -H2O, तो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ CH3 CH CHO। ये हमारा हो गया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड। यानी जो स्कोप संश्लेषण और डोबनर मिलर संश्लेषण है दोनों में अंतर यही है, वहाँ पे हमने ग्लिसरॉल काम में लिया और हमने एक्रोलिन का निर्माण किया, जबकि यहाँ हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन का यूज करते हैं और उनका संघनन करवा के हम बनाते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड। हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है एनिलीन जो क्रिया करता है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड के साथ CH CH3 CH CHO। यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और ये बनाता है इसके साथ नाइट्रोजन सिग्मा बंद, ये इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के साथ और ये प्रोटॉन कहाँ जुड़ता है, यहाँ इस कार्बन से NH CH CH3, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये H। यो यहाँ नाइट्रोजन से प्रोटॉन बाहर निकला,
जो इलेक्ट्रॉन देके गया नाइट्रोजन को, और ये बनाता है नाइट्रोजन इसके साथ सिग्मा बंद। ये लोन पर इलेक्ट्रॉन आ जाए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे हो गया द्विबंध। ये कार्बन और जो कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक रिंग के, ये बनाते हैं इस कार्बोनिल कार्बन के साथ सिग्मा बंध। तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के पास। एन एच सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ नेगेटिव। यहाँ से ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा और एरोमेटिक रिंग को वापस इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। यहाँ पे वापस एरोमेटिक रिंग बनेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था उसने बनाया पाई बंद, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तीन सिग्मा बंद और एक पाई बंद है, टोटल चार बॉन्ड हो गए हैं। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकला तो एरोमेटिक रिंग बनी, यहाँ पे पाई बंद बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गए नाइट्रोजन के पास। ये एन एच सी एच सी एच थ्री ये ओ एच। यहाँ से जो प्रोटॉन निकला वो जुड़ता है इस ऑक्साइड से, तो ये बन गया ओ एच सी एच सी एच टू। ये यहाँ से यदि हम जल का अणु बाहर निकाल दे माइनस एच टू ओ, यहाँ से तो निकला हाइड्रोक्सिल आयन और यहाँ से निकलता है प्रोटॉन। सी एच ये सी एच और यहाँ पे बन गया द्विबंध, क्योंकि यहाँ से तो निकला हाइड्रोक्सिल आयन, अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाता है ओ एच माइनस और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है। यानी जो हमने एरो दिखाया है उस एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो आ गए कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंद बनाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे दो इलेक्ट्रॉन, वो आ गए किसके पास? हाइड्रोक्सिल के पास। तो ये संरचना हमें प्राप्त हुई। यहाँ इसका हम करवाएं ऑक्सीकरण, तो यहाँ से ये एच और यहाँ से ये बाहर निकलते हैं माइनस एच टू ओ। सी एच द्विबंध सी एच सी एच सॉरी सी सी एच थ्री और यहाँ पे ये एन ये यहाँ पे द्विबंध। तो ये हमारा हुआ टू मेथिल क्विनोलिन। ये विषम परमाणु को हमने एक नंबर दिया, फिर दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। तो दो पोजीशन है, दो जो स्थिति है उसमें क्या है? मेथिल प्रतिस्थापित, इसका नाम हो गया टू मेथिल क्विनोलिन या टू मेथिल बेंजेजीन हो गया इसका नाम। सी एस थ्री ये टू मेथिल क्विनोलिन। तो ये डॉपलर मिलर संश्लेषण है, एक महत्वपूर्ण सिंथेसिस।